जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय में जिला के विभिन्न इलाकों में पदस्थापित सहायक पुलिस जवानों ने जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक से मुलाकात की, साथ ही अपने समस्याओं से अवगत करते हुए मांग पत्र सौंपा गया। गौरतलब है कि राज्य भर में पिछले सरकार ने सहायक पुलिस की बहाली करवाई थी। उन्हें उस वक्त कहा गया था कि 3 वर्ष ड्यूटी पूर्ण करने के बाद उन्हें झारखंड पुलिस में शामिल कर लिया जाएगा। वैसे ये तमाम जवान जिले के ग्रामीण और नक्सली प्रभावित क्षेत्र से आते हैं और जिन जिन स्थानों पर उन्हें ड्यूटी कराया गया था तमाम स्थानों पर उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। 3 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इन्हें झारखंड पुलिस में शामिल किए जाने के लेकर कोई पहल नहीं की गई। इससे सभी सहायक पुलिस जवान नाराज और अपने मांगों को लेकर उन्होंने बुधवार को जिला के वरीय अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिले स्तर पर वरीय अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले निर्देश के बाद ही ये सभी आगे की रणनीति तय करेंगे। ड्यूटी नहीं कर रहे, 2400 घंटा हमसे ड्यूटी लिया जा रहा है। ट्रैफिक के दो बार हम चेकिंग कर रहे हैं। हम सब जिला बल की तरह ही हम लोग उनकी ड्यूटी को निभा रहे हैं, लेकिन अब परेशानी यह है कि हमें यहाँ से जो मनोदय दिया जा रहा है उस पर हमारा निर्वाह नहीं हो पा रहा है। और हम चाहते हैं कि इसमें हमें जिला बल पर बहाली किया जाए। और इस पर बोला भी गया था कि 3 साल अगर आप कर्तव्य निष्ठापूर्वक अब ड्यूटी करते हैं तो 3 साल के बाद आपको जिला बल पर बहाली किया जाएगा। उसी आस के लेकर हम लोग ड्यूटी करते हुए आए हैं। वरीय पदाधिकारी के द्वारा हम लोग का जहाँ भी ड्यूटी लगाया गया हो सब जगह हम लोग अपनी ईमानदारी निष्ठापूर्वक ड्यूटी निभाते आए हुए हैं। अभी हम लोग का अगस्त में 3 साल कंप्लीट हो गया है, तो सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं जो हम लोग का पूर्व सरकार ने वादा किए थे, 3 साल बाद आप लोग को झारखंड पुलिस में सीधी नियुक्ति दी जाएगी। सरकार अगर नहीं मानती है हमारी बातों को तो हम लोग का विचार है कि आगे चलकर हम लोग इस एक आंदोलन का रूप देंगे। 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन में हम लोग का ही प्राथमिकता रहेगी कि सरकार हम लोग का बात अगर नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे।